लेकिन यह सत्य है कि आप लोग अगर इस कानून को बना भी देंगे तो उनका कुछ कर नहीं पाएंगे। हमें चाहिए कि इस कानून के अंदर ऐसा भी संशोधन करें, ऐसी भी विचारधारा इसमें ऐड करें। आप सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे जनसंघ समाधान फाउंडेशन जालौर जिले की कार्यकर्ताओं की बैठक थी, जिसमें हमारे संरक्षण माननीय ज्ञानदेव जी, मार्गदर्शक माननीय कैलाश जी और हमारे जिला अध्यक्ष बाबूलाल जी और सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी लोग शामिल हुए। सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन माननीय इंद्रेश कुमार जी के सान्निध्य में मुख्य संरक्षक वो है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी चौधरी, ममता जी सहगल और आज ये सब ने हमने एक विचार करके जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का निर्माण किया कि आज जिस तरह से देश के अंदर महामारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और जिस तरह से आज राजस्थान के अंदर भी 1 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है, तो आने वाले समय में एक हम बड़ी समस्या का सामना ना कर पाए, इसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि संसाधन सीमित है। आज हमारे पास 2.4% भूभाग है, 4% पीने योग्य पानी है और विश्व के 18% आबादी का भार हम वहन कर रहे हैं और ये जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं जनसंख्या दानव रूपी उसको निगल रही है और लोकतांत्रिक रूप से भी हम अनबैलेंस्ड हो रहे हैं। आज 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। जब तक ये लोकतंत्र है, जब तक सभी धर्म समुदाय और पंथ संतुलित हैं और ये जब भी असंतुलित जहाँ जहाँ हुए हैं वहाँ लोकतंत्र खतरे में पड़ा है, इसलिए लोकतंत्र का भी संतुलन तोड़ना जरूरी है और हमारे संसाधनों को भी बचाना जरूरी है। इसको लेकर एक बड़ा जन जागरण है, वो हमारे 33 जिलों में हम जिला कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। उसके बाद हम एक भारत माता यात्रा, एक रथ यात्रा लेके आएंगे तो प्रत्येक जिले के अंदर हमारे 30 से 40 हज़ार जनसभाएं होगी और उसके बाद जयपुर में 4 से 5 लाख लोगों की बड़ी जनसभा करेंगे और उसके बाद में हम दिल्ली में जंतर मंतर और रामलीला मैदान तक जाएंगे और कानून की मांग करेंगे। और हमारे एक मांग है कि 2 बच्चों से अधिक कोई बच्चा पैदा करता है तो उनका वोट अधिकार खत्म हो, 2 बच्चों से अधिक कोई बच्चा पैदा करता है तो उसके सरकारी सुविधाएं समाप्त हो और इसके कानून इतना सख्त हो अगर कोई कानून की अवहेलना करता है तो 10 साल की उसको सजा भी हो। ये हमारी मांग है और एक हम जन दबाव बनाना चाहते हैं कि राजस्थान में भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस कानून को लागू करें और केंद्र में माननीय मोदी जी इस कानून को लागू करें और तुरंत लागू करें। अगर देश के अंदर सख्त जल्दी कोई कानून चाहिए तो वो जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है और उसकी हमारी मांग है। जय सर, आपने ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की है, आप प्रयास कर रहे हैं कि जन जागरूकता लाएं। राजस्थान में तो वैसे ये 50% तो वैसे लागू ही है क्योंकि सरकारी नौकरियों में भी इसका वो नहीं वैलिड नहीं है और मतदान में भी। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो आपने कमेटी बनाई है उसमें सभी जाति धर्म वर्गों को शामिल किया है क्या? अब ऐसा है, जो राजस्थान सरकार का जो पुराना कानून बना हुआ है, एक जनप्रतिनिधि कितने चुनाव लड़ते हैं, तो हमारा मांग है कि वोट अधिकार और हमारी मांग है सरकारी सुविधाएं, क्यों सरकारी सुविधाओं का भी दुरुपयोग होकर के बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। सर, इसमें मेरा एक सवाल है, जैसे सरकारी सुविधाओं में राजस्थान सरकार में ये नियम है कि 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर उसको इंक्रीमेंट या कुछ नहीं मिलता और सरकारी सेवा नहीं मिलती है, अगर वोट का अधिकार है तो वो सेंट्रल का है, सेंट्रल पे आप क्या दबाव बनाते हैं? दोनों समाधिकार सिर्फ निर्वाचन आयोग, तो हम केंद्र से मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि वो भारतवर्ष में आप एक समान लागू कानून को बनाए ताकि मुख्यमंत्री लागू करें और वो जब तक बनाए, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने 10,000 ज्ञापन दिए हमारे पास जनसंख्या समाधान कांग्रेस में और असम में भी दिए तो वो काम बढ़ रहा है, तो राजस्थान में भी हम मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप सख्त जनसंख्या, पहले जो बना हुआ है वो एक उनका कहीं दुरुपयोग हो रहा है, वो नहीं रहा है, तो एक ऐसा सख्त जनसंख्या नियंत्रण करें कि आप जिस तरह से हमारे संसाधनों का दोहन हो रहा है, कब तक बेरोजगार की फौज खड़ी हो, कब तक कितनी रोडें बनाओगे, कितना विकास करोगे? आप जितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास निर्माण हो रहे हैं वो जब तक ये 2 लाख बनते हैं जब तक 4 लाख हो जाते हैं, तो कहीं तो आप स्टॉप करो। तो इतना जनसंख्या, आज कहते हैं पढ़े लिखे लोग भी जैसे कह रहे हैं, उधर के जो राज्य हैं बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान करते हुए कुछ चीज़ें समाज करें, कुछ चीज़ें सरकार करें, ये हमारा एक समाज को भी जन जागरण का एक बहुत बड़ा आंदोलन है। कानून बाद में बहुत बनते हैं लेकिन कानून ये जनता मांग रही है और जनता ही इस कानून की पालना करे।